नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.2 का प्रश्न 4 हम करने जा रहे हैं। बच्चों प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। देखिए बच्चों, यह त्रिज्या है और इसकी जो त्रिज्या है वह दी गई है 10 सेंटीमीटर की। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी OA भी 10 सेंटीमीटर है, OB भी, कि एक जीवा, यह एक जीवा है ए बी, केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, यानी कि केंद्र पर यह जो कोण है यह समकोण है। निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संगत लघु वृत्तखंड। तो बच्चों देखिए, इस जीवा के द्वारा यह वृत्तखंड बनाया गया जो हमने हरे पेन से अंकित किया है। इस वृत्तखंड का हमने क्षेत्रफल निकालना है। दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड यानी यह बाकी वाला। तो आइए हम एक एक करके इन्हें हल करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बच्चों हमने अपने इस चैप्टर के शुरू होने से पहले जो एक वीडियो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही फार्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, थीटा अपॉन 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस प्रकार से इस सूत्र की मदद से हम इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, थीटा है 90 डिग्री क्योंकि यह समकोण अंतरित करता है, यानी 90/360 गुना पाई। पाई हमें बोला गया है 3.14 लेने को, 3.14 गुना आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बच्चों, आर है 10 सेंटीमीटर, तो यानी गुना 10 गुना 10, ये होगी पहली ब्रैकेट, माइनस दूसरी ब्रैकेट में है 1/2 गुना आर स्क्वायर। आर है 10 गुना 10 गुना साइन थीटा। बच्चों ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, साइन थीटा है बच्चों 90, यानी साइन 90 डिग्री। ये इस प्रकार से, आई एम सॉरी ये सर्कल के ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं है यहां, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, हम इसको यहां लिख देते हैं। आइए अब इसे हल करें बच्चों। देखिए, जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 से कटेगा 360, 36 9 से 36 कटेगा यानी 4, 3.14 है, इसके नीचे 1 लगा दो, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएंगे, बन गया 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, यानी ये 100 भी कट गया, ये 10 और ये 10 भी कट गया। हमारे पास बचा 314/4, हमारे पास बचा है 314/4 माइनस। और बच्चों यहां देखिए, 2 से ये 10 कट जाएगा, 2 5 10, 5 गुना 10 हो गया 50 गुना साइन थीटा। साइन थीटा होता है साइन 90, साइन 90 यानी कि 1, साइन 90 की वैल्यू है 1, या आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देख भी सकते हैं। यानी ये हमारे पास आ गया 314/4 माइनस 50। बच्चा 314 को जब 4 से भाग कर दें तो ये आता है 78.5 माइनस, यहां से आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो पहला निकालना था संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वह हमारे पास आ गया है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का प्रथम भाग जो है वह हल हो गया है, यह प्रथम भाग था। अब बच्चों हमने करना है द्वितीय भाग। यदि आपको कहीं से भी यह प्रश्न ना समझ आए, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर दोबारा देखें बच्चों, ये आपको अवश्य समझ आ जाएगा। मैं एक बार फिर भी आपको रिवाइज करवा रहा हूं। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही वैल्यू हमने थीटा की जगह 90 डिग्री भरा क्योंकि यह बताया गया था समकोण पर अंतरित करता है, बटा 360 गुना पाई की वैल्यू ली है 3.14।
गुना आर स्क्वेयर है 10 गुना 10 माइनस हाफ इंटू आर स्क्वेयर है 10 गुना 10 गुना साइन थीटा, साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, बाकियों को हमने हल किया तो हमारे पास ये आ गया है और हमारा उत्तर आ गया है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब बच्चों हमने निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बच्चों ध्यान से देखना, लघु त्रिज्याखंड है ये वाला, इसका फार्मूला है थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। इसमें से यदि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि ये लघु वाला माइनस कर देंगे तो दीर्घ वाला बन जाएगा। आइए इसको कैसे लिखना है, इसको मैं लिखूंगा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और यह बराबर होगा बच्चों पूरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्याखंड का, छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी थीटा अपॉन 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। यदि हम ध्यान से देखें तो यहां भी पाई आर स्क्वायर है, यहां भी पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर ले लो कॉमन, बाकी बच गया 1 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसे हम हल कर देते हैं बच्चों, पाई आर स्क्वायर, पाई लेना है 3.14 गुना आर स्क्वायर, आर है 10 तो 10 गुना 10 गुना 1 माइनस थीटा, थीटा है 90/360 डिग्री, इसे हम हल करेंगे तो हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखते हैं बच्चों 90 से 360 कट जाएगा 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये बन गया, यहां से दशमलव हटाया तो नीचे आ गया 100, एक जीरो से यह 10 कट गई, 10 से यह 10 कट गई, यानी इन सबको सॉल्व करके आ गया 314 गुना, यहां पर 1 माइनस 90 एकम लग गए तो 1 माइनस 1/4 बचा, 4 और 1 का लघुत्तम आ गया 4, 4 को 1 से भाग किया, चार को एक से भाग किया चार एकम चार माइनस चार को चार से भाग किया एक एकम एक। इसे हल करते हैं हम आगे, 314 गुना 4 माइनस 1 3/4, और बच्चों इसे जब हम हल कर लेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वह आएगी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे द्वितीय भाग का उत्तर आ गया है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए इस वीडियो के माध्यम से हमने इस त्रिज्याखंड के, यहां पर इस वृत्तखंड का पहले भाग में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला, दूसरे भाग में हमने यह त्रिज्याखंड है लघु वाला, ये बाहर वाला है दीर्घ, हमने दीर्घ का क्षेत्रफल निकाला। कैसे निकाला, पूरे वृत्त में से, पूरे सर्कल में से यह लघु वाला त्रिज्याखंड माइनस कर दिया। पूरे सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। इसे हमने हल किया तो हमारे पास प्रथम और द्वितीय दोनों भागों के उत्तर आ गए हैं। तो बच्चों आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि किसी भी स्टेप से आपको यह प्रश्न ना समझ आया हो तो आप वीडियो को दोबारा चलाकर उसे दोबारा देख सकते हैं। तो बच्चों यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप बाकी प्रश्नों के वीडियोस को देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझकर अपनी नोटबुक्स में लिख भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।